कोरोना की जंग में लॉकडाउन फोर में भी हम लोग हैं, लॉकडाउन के दौरान धीरे धीरे मार्केट और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार से दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन जो समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स लोगों का है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लॉकडाउन मार्च लास्ट मंथ से लेके अभी तक चल रहा है और मार्च अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून ये पूरा सीजन जो है एक तरह से शादी ब्याह के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का हुआ करता था, लेकिन आज ये समुदाय पूरी तरह से बोलते हैं, इनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इनका भविष्य क्या होगा, कैसे सरकार सारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स पर ध्यान देगी, इसके सिलसिले में हम अनुपी के और बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका हाल क्या है। नमस्कार। कोरोना की जंग में लॉकडाउन फोर में अभी हम लोग जीते। लॉकडाउन के दौरान जैसे जैसे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार दुकानें खुल रही हैं, मार्केट खुल रहे हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समुदाय है फोटोग्राफर वीडियोग्राफर जो पूरी तरह से जिनका धंधा ठप है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी। जानते हैं उनसे कि फोटोग्राफरों का जीवन कैसे चल रहा है और उनका आगे का भविष्य क्या है। बताइए ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी लगन का माहौल था अप्रैल मई जून, ये पूरी तरह से उन लोगों का ठप हो, तो आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी फिलहाल तो हम लोग के पास जो भी फोटोग्राफर हैं वो ज़्यादातर फ्रीलांसर फोटोग्राफर हैं और फ्रीलांसर के साथ जुड़े हुए उनके साथ भी बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जो कि अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो हमारा जो फ्रीलांसर फोटोग्राफर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग फोटोग्राफर हैं, क्योंकि वो शादी विवाह का ही काम करके और अपना साल भर का जीविका चलाते हैं। तो अभी हमारा जो मार्च महीने से जो लगन शुरू होता है वो फिलहाल अभी बंद हो गया है और ये कोरोना वायरस के चलते हम सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन करते हुए अभी चल रहे हैं और आगे क्या स्थिति रहेगी ये अभी पता नहीं कि आगे क्या परिस्थितियां आएंगी। तो आज तक जो हमारे फोटोग्राफर भाई लोग अभी किसी तरह जीविका चला रहे हैं, लेकिन आज के बाद अब जो समस्या आएंगी वो बहुत विकट समस्या आने वाली हैं, जो कि हमारे फोटोग्राफर बंधुओं के लिए जो कि अपना अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। वो कैसे चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी दिनचर्या कैसे चलाएंगे, क्योंकि हमने लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया, हमारे जितने फोटोग्राफर बंधु हैं पूरे बिहार प्रदेश में सभी ने, पूरे देश में सब कोई अपनी अपनी धैर्य पूर्वक इस लॉकडाउन को पालन करते हुए, अब पालन करने के बाद अब कोई बिजनेस रह नहीं गया है। तो चूँकि ये हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है और आगे आने दिन में जो समस्या आएंगी वो बहुत ही दुखदायी रहेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फोटोग्राफर के पास, अगर हम चाहते हैं कि सरकार के पास ऐसा कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइन आए, कोई योजना तैयार किया जाए जिससे हमारे जो फोटोग्राफर बंधु बैठे हुए हैं या आगे कुछ ऐसा बनाएं कि वो उनकी रोजी रोटी मिल सके, जिससे वो अपना परिवार का अपना भरण पोषण कर सकें और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा एक सेक्टर स्टूडियो सेक्टर है जो कि वो अभी पूरी तरह बंद है।
अगर सरकार जैसे और सारी दुकानें खुल गई हैं उसी तरह कुछ दिशा अपने जो दिशा निर्देश दिया गया खोलने के उसी दिशा निर्देश से स्टूडियो भी खोलने का काम किया जाए, जिससे क्या होगा, हम ये जानते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी स्टूडियो में फैमिली फोटो खिंचाने तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ पासपोर्ट वगैरह जो हो रहे हैं उससे क्या होगा कि दुकान मालिक को किसी तरह से फायदा नहीं होगा, लेकिन जो हमारे स्टाफ हैं, जो दुकान का किराया है, बिजली बिल है, ये कम से कम वो उससे निकाल सकेंगे और कुछ तो आधार मिलेगा, तो कुछ स्टाफ लोग का भी खर्च निकल जाएगा, कुछ मकान मालिक को भी किराया दे सकेंगे, बिजली बिल भी दे सकेंगे, तो जो नहीं रुकने वाला है तो उसका कुछ खर्च आ जाएगा। एक मुद्दा और भी है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से 50 लोगों के साथ शादी समारोह करने की इजाजत दी गई, तो क्या ऐसे में कुछ हमारे फोटोग्राफर उसमें इन्वॉल्व होंगे या उनकी जिंदगियां पटरी पे आएगी? अभी तक तो इस 50 जो व्यक्ति के सम्मिलित हैं शादी विवाह में, तो इसमें अभी सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि फोटोग्राफर जाके उसमें काम कर सकें। हाँ, ये अनुमति सरकार को चाहिए कि ये अनुमति दे दें कि शादी विवाह में भी फोटोग्राफर अपना फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर कोई बुकिंग कराते हैं तो ये भी एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं आया है कि हम क्या उस पे करें। ऐसे ही अनूप इलेक्ट्रॉनिक्स के MD अनूप जी हैं, जिनका की पूरा धंधा जो है हायरिंग का है। बड़े बड़े शादी समारोह में LED वाल हो, ड्रोन हो, जिमनी हो, कैमरा, हर तरह का सर्विस ये देते हैं। आइए जानते हैं लॉकडाउन के दौरान इनके जीवन पे क्या बीता है और कैसे ये अपनी प्लानिंग। हम लोग लॉकडाउन में तो हम लोग की बुरी स्थिति हो गई है। हम लोग अभी तक लगन में जितनी तैयारी किए हुए थे कि लगन में हम लोग कमाएंगे, हम लोग कंपनी के पीछे कम से कम तो 40-50 स्टाफ काम करते हैं, टोटल की स्थिति खराब होने की कगार पर आ गई है। हम लोग को जो सैलरी पर स्टाफ है उन लोग को हम लोग थोड़ी थोड़ी देकर काम चला रहे हैं, मगर ये लंबा कब तक चलेगा? लगन खत्म होने से हम लोग के आगे की पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। टोटल फोटोग्राफर बंधु लोग जितने काम करते थे उन वो लोग पर हम लोग भी डिपेंड थे, वो लोग भी हम लोग पर डिपेंड रहते थे, मगर अब हम लोग के आगे कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है इन लॉकडाउन की वजह से। क्या है कि हम लोग को सरकार की तरफ से पूरे लगन खत्म मान के चलिए, हम लोग नवंबर दिसंबर तक अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन ये जो 50 लोगों के शादी समारोह की जो बात हो रही है उस पे आपका क्या कहना है और आगे जैसे फोटोग्राफरों लोगों का सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से तो हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि हम लोग का जो भी काम है वो गैदरिंग का काम है और सरकार गैदरिंग होने देगी नहीं, तो हम लोग सरकार से चाहेंगे कि हम लोग को कम से कम फोटोग्राफर लोग को एक एक बंदा लोग फिर भी काम करे, टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने के आदेश हम लोग सरकार दे, नहीं तो हम लोग कुछ एक योजना दे जिसमें हम लोग सरकारी काम में टोटल फोटोग्राफर लोग कुछ कर सके जिसकी रोजी रोटी चल सके। हम सरकार से एक यही उम्मीद करेंगे। बहुत सुंदर बात, सरकार को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी तरह का वैसी योजना जहाँ पे फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की जरूरत है वैसे लोगों को इन्वॉल्व करें। हम इस चैनल के माध्यम से सरकार से, इनकी तरफ से और सारे फोटोग्राफर की तरफ से, वीडियोग्राफरों की तरफ से ये चाहेंगे कि वैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जिससे कि उनकी जिंदगियां भी पटरी पर आ सके। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर की जिंदगियां कैसे चल रही हैं इस सिलसिले में आज आपको हम बताएंगे। इसी से जुड़े हुए आज हमारे साथ हैं फोटोग्राफर सुजीत जी। जानते हैं कि उनकी जिंदगियां लॉकडाउन के दौरान कैसे चल रही हैं और क्या समस्याएं हैं। मैं तो क्या कहूँ, मेरे जिंदगी में तो ऐसे समस्याएं आ गई हैं कि किराया देना है, घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं है, स्टाफ लोग अलग वो बोल रहे हैं कि सर पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो लोगों की समस्याएं हम कैसे समाधान करें मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और ये महामारी की कोरोना वायरस जो आ गई है,
शादी का भी माहौल जो था हम लोगों का पूरा ठप चल चुका है। अभी एक चीज और आ रही है कि 50 लोगों के साथ सरकार जो है बोल रही कि शादी ब्याह करे, आप 50 मेहमान आ सकते हैं, तो क्या उससे आप फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर लोगों की जिंदगियां पटरी पे आएंगी? कुछ तो राहत मिलेगी किसी को, हम लोग फोटोग्राफर बंधुओं को, ये जो भी थोड़ा बहुत चलेगा तो कम से कम एक आध दो महीने का कम से कम घर के खर्च और परिवार के खर्च जो है रोजी रोजमर्रा की जिंदगी की, वो उससे कुछ निवारण हो जाएगा हम लोगों का। एक और समस्या है कि ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो हैं वो EMI पे इक्विपमेंट्स लिए हुए थे, पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन के दौरान सारे काम धंधे ठप हैं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? EMI की तो समस्या बहुत बड़ी है, बजाज फाइनेंस वाले लोग हैं, कुछ और फाइनेंस वाले लोग हैं जो कि रोज सुबह शाम दोपहर फोन करके कहते हैं कि सर EMI पे कीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ आपका वो करना पड़ेगा, सर आप किसी तरह आपको पे करना ही है, आपके पास है या नहीं है मुझे मतलब नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश है कि लॉकडाउन के दौरान EMI न देने की बातें सामने आई थी, तो उसको लेके आप लोग क्या कर रहे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं? सुनने में आया था कि मेटोरियम कर दीजिएगा तो मेटोरियम के जरिए आपका राहत कुछ मिलेगा, मेटोरियम करने के बावजूद भी हम लोगों को फोन पे फोन आ ही रही है। ये थे हमारे साथ फोटोग्राफर, ऐसे और बहुत सारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं जिनकी जिंदगियां रुकी हुई है। हम इस चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि इनकी भी जिंदगियों के बारे में सोचें। कैमरा पर्सन भोपाल के साथ RK रोशन, SDF न्यूज, पटना।